ए गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आई हूँ मैं फिर से एक और व्लॉग लेके आप लोगों के लिए। आज क्या था कि मॉर्निंग में उठते ही मैंने व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि थोड़ा लेट उठी थी तो काम वाम करना था, तो इसलिए नहीं किया मैंने शूट। अभी क्या है कि बस अब ऑफिस के लिए रेडी हो गई हूँ, नाश्ता पानी लंच वंच सब हो गया है। ये इनको नहाना है, अभी नहा लेंगे, मैं चली जाऊँगी। तो दिखाती हूँ आपको आज का दिन मेरा। कल तो मेरा एग्ज़ाम था, तो इसलिए कुछ बड़ा वो टेंशनबाजी वाला दिन था ना। तो चलिए चलते हैं। ए गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आ गई थी घर, अभी जस्ट आई हूँ। अभी मैंने इनको बताया कि मैं आ गई हूँ और अब मम्मी से बात कर लेती हूँ। और मैं दिखाती हूँ आज आपको ना, मेरे को ना एक मतलब मैंने एक क्या बहुत पहले ना एक जैसे हम लोग वो करते हैं ना, मतलब मेरे को एक गिफ्ट रिसीव हुआ था, तो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या रिसीव हुआ। बड़ा ही प्यारा सा है, देखिए कितना प्यारा है ना ये चूड़ा सेट। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब डेली वेयर में आप इसको वियर कर सकते हो, डेली में आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो हाथ में और अपना बर्तन वर्तन भी धुल लो, कोई ऐसा नहीं है स्टोन्स वगैरह का काम है तो भाई स्टोन्स की वजह से भाई दिक्कत हो जाए, जैसे स्टोन्स छूट जाते हैं फिर वो बुरा लगने लगता है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रेड कलर है, रेड क्या मैरून सा है, मुझे अच्छा लगा ये देखो। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ एक नई चीज़ जो कि पत्ता गोभी और गोले से बनती है, जैसे गोला जो होता है ना घर में उससे बनती है। और उसके लिए आपको चाहिए होगा नमक मिर्च, धनिया अगर आपको हरा धनिया अगर आपको यूज़ करना है, और राई, थोड़ी सी राई आपको चाहिए होगी, जिसको वो भी कहते हैं सरसों, सरसों के दाने, है ना। और क्या चाहिए, पत्ता गोभी चाहिए, गोला चाहिए, और बस और कुछ नहीं, गैस। तो दिखाती हूँ मैं आपको। अब गोला मैंने ना ये पत्ता गोभी और ये नागे मतलब गोला, इनको दोनों बराबर मात्रा में कस लिया है। अभी मैंने थोड़ा ही यूज़ किया है, मतलब आधी गोभी है और आधे से भी कम नारियल है, क्योंकि गोला मतलब गोला है वो, इसलिए क्योंकि ये ना गोला नहीं खाते, तो क्या पता इन्हें पसंद ना आया, तो फिर अगर मेरे को भी खानी पड़ी तो मेरे लिए सफिशेंट है। वैसे ना बेसिकली क्या है कि ना इसको हम एक तरीके से सैलड के रूप में भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि भाई हम लोग बहुत सारे लोगों को पसंद होता है कुछ अलग अलग तरीके के सैलड्स खाने का, तो ये ना मेरी मम्मी बनाती थी, तो मैंने ये उनसे सीखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसे खाने के बाद मतलब ये बताती थी मम्मी कि ये कैल्शियम की पूर्ति करता है, मतलब बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है इसमें, तो आप लोग भी बहुत ट्राई कर सकते हैं। 2 मिनट का काम है, बस कसने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखो मैं रेसिपी की तरह तो मैं बताती नहीं यूट्यूब में, कि जैसे उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ होती है, बताते हैं 2 मिनट का काम, झटपट काम, जबकि फैला रहा उतना ही फैलता है। इसमें क्या है, सिर्फ 2 मिनट बस, थोड़ा सा टाइम आपको 10-15 मिनट उसमें लग सकते हैं कसने में, है ना, उसमें लग सकते हैं, बाकी अदरवाइज बहुत इजी है ये। अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाऊंगी। मैंने ना इसमें हल्का सा ऑयल लिया है और ये हो गए मेरे राई के दाने। देखो मैंने इसमें उस तेल में और राई में ये दोनों जो कसा हुआ था मेरा मैंने डाल दिया है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे ही चलाते रहना है फिलहाल, ठीक। और आप चाहें तो इसमें हल्दी वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मैं यहाँ पर हल्दी यूज़ नहीं करूँगी, है ना। मैं इसमें थोड़ी सी
नमक डाल देती हूँ, ठीक है। और मिर्च, वैसे तो मम्मी ने बोला था हरी मिर्च डालने के लिए, पर क्यों है हरी, हरा धनिया भी डाल देते हैं। अब क्या है ना, हरी मिर्च मुझे नहीं अच्छी लगती है ऐसे बीच में, है ना, और क्या नाम है, धनिया ही नहीं अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर मैंने ऐसी लाल मिर्च यूज करी है इसमें। थोड़ी सी देखिए ब्राउन सी हो गई है अभी, है ना, बहुत ही यम्मी लगती है। मेरी ना बचपन में बहुत खाती थी मैं इसको, बहुत ही ज़्यादा खाती थी, तभी तो अभी तक घुटने काम कर रहे हैं भाई। मैंने इसको कर दिया है बंद। हो गई आपकी गर्मा गर्म सैलेड गोभी, गोभी और गोले की G2 बोल सकते हैं उसको आप, है ना, G2 सैलेड। वाओ व्हाट अ नेम। मस्त मौस बनी भाई साहब, मस्त मजा आई आ गया, बिल्कुल मम्मी के हाथ का टेस्ट है, बिल्कुल मजा आ गया। मम्मी के हाथ का टेस्ट तो आएगा ही, बेटी जो उनकी कैसी बनी है, खा के बताओ। आई विल कैप्चर योर गैस करो क्या है, गोला सा लग रहा मुझे तो कुछ। और कुछ नहीं है, नमक मिर्च सा लग रहा, और कुछ नहीं पता लग रहा इसमें ना। यार बर्बाद, क्या है ये, G2 सलाद है ये, G2 सलाद गोभी गोला। सही नहीं है। ये दोस्तों कैसा लगा आपको आज मेरी रेसिपी, अच्छी लगी होगी, आप लोग भी ट्राई करना। और इनको, इनका देखा आपने मुंह, देखा इनका, वैसे तो इन्हें अच्छा लग रहा था, पर फिर भी ये गोला नहीं खाते ना, इसलिए शायद इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आई। खैर एनीवेज, बाकी आप लोग ट्राई करना, कुछ नहीं है, सिंपल सी राई में छोंक लगा दो बस, कस के गोभी को और गोले को। तो बस अब हम करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में जो कि कल आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय, गुड नाइट।